वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 रे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, हूँ मणि पद्मी, हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आज की रीडिंग लेकर, जिनके नाम शुरू होते हैं MNOPQR से, तो उनका ये मंथ कैसा जाने वाला है, उनकी लव लाइफ को देखेंगे, कैरियर और हेल्थ को देखेंगे। ओके, अगर आपका नाम इनसे शुरू नहीं होता, आपका नाम और जो अल्फ़ाबेट्स हैं इससे पहले के, लाइक ABCDEF और जो भी हैं, तो उनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको मिल जाएगी उनकी लिंक, या फिर जहाँ पर टाइम स्टैम्प मैं देती हूँ कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो आप अपना रीडिंग देख सकते हो। और अगर आपका नाम इन अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो आज की वीडियो है आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिनका नाम एम से शुरू होता है, तो देखेंगे उनका ये जो मंथ है कैसा जाने वाला है, उनकी लव लाइफ को लेकर, उनकी कैरियर और हेल्थ को लेकर, और यूनिवर्स की तरफ से कोई भी गाइडेंस मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए। ओके, और देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, आपका ये कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर मैं आपकी लव लाइफ को देखूँ, तो ये मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ शादी की, इंगेजमेंट की, शादी की, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं आपकी फैमिली की तरफ से, आपके रिलेटिव्स की तरफ से। ठीक है, शादी के रिश्ते आ सकते हैं, इंगेजमेंट को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि आप तैयार होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी ही मुझे दिख रही है कि आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। पूरी तरीके से क्या मैं कहूँ, थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी आपका दिल नहीं कर रहा है शादी वगैरह के बारे में सोचने का, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स में भी आपको फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को लाइक करते हैं और उनकी तरफ से जवाब आने का वेट कर रहे हैं, या फिर उनसे मिलना चाहते हैं। मे बी आपने ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस ना करी हो और सामने वाले ने भी ना करी हो, तो आप सोच रहे हो कि आपको मिलना है, मिलकर बात करनी है, उसके बाद ही अगर कुछ आगे बढ़ता है तो देखेंगे। अगर उधर से कुछ क्लियर हो तो यहाँ पर जवाब दिया जाए, उधर से ही क्लियर नहीं है कुछ तो कैसे कुछ कहा जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको शादी ही नहीं करनी, आपको अभी कैरियर देखना है और सारी चीज़ें देखनी है। तो कुल मिलाकर जो मैं देख पा रही हूँ एनर्जी, वो कुछ ऐसी है कि आपका तो दिल नहीं करेगा, लेकिन फोर्स करने वाले फोर्स आपको करेंगे, तो आप थोड़े से कन्फ्यूज रह सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने कुछ, अगर मैं यहाँ पर अरेंज मैरिज की बात ना करूँ, सिर्फ आपके रिलेशनशिप की वैसे ही बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि मे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं वो वापस आ जाएं, या फिर आपके एक्स वापस आ जाएं और आपकी लाइफ में कोई और भी हो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किसके साथ जाया जाए, किसके साथ नहीं। ऑप्शंस रहेंगे, बस मैं ये कहूँगी कि ऑप्शंस कई सारे रहेंगे, उनको लेकर आप कन्फ्यूज रहोगे। अब वो आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, या फिर आपके अगर फैमिली को नहीं पता है तो नॉर्मली, जैसे अगर आप किसी को पसंद करते हो या पहले कभी किसी के साथ कनेक्शन में थे, तो वो आ जा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा रहने वाला है, थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं, और शायद ऐसा हो कि आप थोड़ा बात करना बंद कर दें लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से प्रेशर आपको पड़ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में दो तीन लोग वैसे ही हैं, तो मे बी आप उनसे भी बात करना बंद कर दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि किसके साथ जाऊँ, किसके साथ नहीं जाऊँ। हेल्थ को लेकर अगर मैं देखूँ, तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी है, कोई इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचें,
और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया डाइट प्लान आप बनवाएं, या फिर वर्कआउट करने का सोचे, या कुछ नया करने का सोचे अपने हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, और फिर आपको लगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बेटर है आप अपने डॉक्टर से मिल लो, ठीक है, या जिम जाना शुरू करना चाहते हैं तो अपने ट्रेनर से मिल लो, जो अच्छा हो उसके बारे में देख समझ लो, खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है, कि खुद कंफ्यूज बने रहे और खुद ही सोचते रहे और किसी से राय नहीं ली, तो ये काम नहीं करना है। दूसरी बात मैं और बताऊंगी कि राय भी अगर लेनी है तो कुछ ऐसे लोगों से लेना जो कि आपको पता हो कि हाँ सही राय देते हैं, जैसे घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ लो, या कोई बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उससे पूछो, हर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा कुछ चेंज करने का आप सोच रहे हैं तो, क्योंकि अगर सारे ही सभी लोगों से आप बात करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कोई वहाँ पर आउटकम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसा कि आप चाहते हो, कंफ्यूज हो जाओगे तो क्या फ़ायदा है, नहीं करना है फिर आपने, बेटर होगा कि किसी या तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले या फिर जिससे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। कैरियर को लेकर अगर मैं देखूँ तो कैरियर को लेकर कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, कुछ हो सकता है नया कोई बिजनेस आप शुरू करें, अगर कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं जा सकते हैं या कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, आपसे का आपके काम से जुड़े हुए लोग, ठीक है, या फिर किसी का कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है जिसका कि आप वेट कर रहे थे, मे बी आपने सपोज जैसे आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, या किसी बिजनेस के लिए आपने सोचा, किसी से बात की कि पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस करते हैं, और वहाँ से कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, ना हाँ हो रहा था ना हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऑल राइट, और कहीं ना कहीं आप की ग्रोथ ही होगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जिनके भी साथ आप हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, सामने वाला भले ही आपसे थोड़ा रूडली बात करे, सभी के लिए नहीं कह रही लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे भी ऐसा हो कि सामने वाला आपसे थोड़ा रूडली बात करे, तो शांत रहो, ये नहीं कि उन्होंने रूडली बात करी तो आप भी लड़ने लग जाओ, ये काम नहीं करना, बस इतना बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एनर्जी ओरिकल कार्ड, अरे बाबा का कार्ड ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस इन लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल, ये बाबा के कार्ड्स नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आया, आपके लिए आ गया भाई ओके देख लीजिए, ये मैसेज है बाबा का, ओके तो चलिए देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके स्ट्रेटजी डोंट डू रोमांस, ऑल राइट, तो यहाँ पर जो कार्ड्स है गाइस मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देख लो, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये जो कार्ड्स हैं ये आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि चाहे बिजनेस हो या हो लव लाइफ, ओके दोनों ही जगह पर आपको अच्छे से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, तभी स्टेबिलिटी आपको मिल पाएगी। देखो ये जो कार्ड होता है ये भी स्टेबिलिटी का होता है, चाहे रिलेशनशिप को ले लो, चाहे अपने कैरियर को ले लो, चाहे हेल्थ को ले लो, ठीक है, जब हम कुछ बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो परमानेंट हो, ठीक है, तो उस वक्त ये कार्ड आता है जब यूनिवर्स आपको बताती है कि अगर आप ऐसा चाहते हो अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी होती है, ये कार्ड बताता है अच्छे से आपको प्लानिंग करनी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे ही चलता रहेगा हो जाएगा, ईश्वर पर छोड़ दिया है, ईश्वर करेंगे, हाँ ईश्वर ही करते हैं, सच है ईश्वर ही करते हैं, लेकिन ईश्वर ये नहीं कहते कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ओके तो प्लानिंग तो आपने ही करनी है, काम आपने ही करने हैं, उसके बाद आउटकम की चिंता आपको नहीं करनी है, वो फिर ईश्वर देखेंगे, ठीक है ना, और जो आपको मिलता जाए उसको एक्सेप्ट करते जाओ कि हाँ यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ दी है, अच्छी दी है, आगे चल के और अच्छी देगी, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो ये कि अपने कन्फ्यूज़न को मिटाइए, कन्फ्यूज़न को कैसे मिटाओगे आप, मेडिटेशन करोगे, जब मेडिटेशन करोगे उस वक्त आपकी इंट्यूशन खुद आपको बताने लग जाएगी कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना,
अब कुछ लोगों को ये दिक्कत हो जाता है कि उनको मेडिटेशन करने में उनको समझ में नहीं आता कैसे मेडिटेशन करें, ध्यान नहीं लगता। लोग कहते हैं कि मैम हमने ट्राई किया लेकिन ध्यान नहीं लगा, अब हम कैसे करें मेडिटेशन। तो मैं आपको बता दूं कि शुरू शुरू में जब आप करोगे मेडिटेशन तो ध्यान नहीं लगता है, काफ़ी सारे लोगों का नहीं लगता है। ये कोई आप ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ है। लेकिन क्या ज़रूरी होता है? प्रैक्टिस। आप बार 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 करोगे ना जब मेडिटेशन, तो फिर आपका ध्यान लगने लग जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो, शुरू करो, एक बार शुरू करो, फिर देखना असर कैसे दिखता है। तो जब आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, आप खुद से जुड़ जाओगे, ठीक है, अपनी आत्मा से जुड़ोगे। और आपकी आत्मा कहाँ से जुड़ी हुई है? परमात्मा से। तो खुद ब खुद आप परमात्मा से कनेक्टेड हो जाओगे। तो उसके बाद जो भी चीज़ें आपने सोची हैं या जो भी आपने करना है कि आगे कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सी दिशा में मुझे जाना चाहिए, तो वो सब कुछ परमात्मा ही आपको बताते चले जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वक्त फिर ऐसा आएगा जब आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। आप शांति से आंख बंद करके बैठोगे ना, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको शेयर भी नहीं करना पड़ेगा किसी से कि क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम शेयर करें सारी बातें किसी से भी। लेकिन समस्याएं जब बड़ी हो जाती हैं तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें जवाब नहीं मिल रहे होते। तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो इस चीज़ से भी मुक्त हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि अपने परमात्मा से जुड़ो, कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन बनाओगे तो सीधी सी बात है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सफलता आपको मिलती चली जाएगी। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग जिनका नाम शुरू होता है एम से। आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको गाइड किया हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। गाइस, तो जिनका नाम एन से शुरू होता है, अब हम उनके लिए कार्ड्स देखेंगे, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस मंथ, और उनकी हेल्थ और उनका कैरियर। और कोई भी गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से तो मैं आपको दूंगी, अच्छे से बताऊंगी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे। कोई तो है जो आने वाला है। मुझे इंट्यूशन आ रही है तो मैंने बोल दिया, हालांकि मैं कार्ड निकाल कर ही बोलती हूँ वैसे, लेकिन मुझे कार्ड्स लेने से पहले ही लग रहा था तो इसलिए मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, कोई आने वाला है, कोई मैसेज आ सकता है या फिर कोई मिलने आ सकता है आपसे। 10 ऑफ कप्स, कोई विश है आपकी पूरी होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी फैमिली मेम्बर का वेट कर रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, तो उनसे आपका मीटिंग हो सकता है, या फिर तो किसी का भी, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, आप जानते हो कि किसका कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। किसी ऐसे की तरफ से मैसेज आ सकता है, या फिर आपको कॉल आ सकता है, या फिर मिलने के लिए बुला सकता है कोई ऐसा जिसने अभी तक आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, आपने ही हमेशा किया, उन्होंने नहीं किया, तो उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिलेगा। अगर कोई ऐसा है तो आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर जिनको आप बहुत पसंद करते हो। ठीक है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो वो आप शॉर्ट आउट करोगे कि क्या आपने कहा था, क्या मैंने कहा था, जो भी चीज़ें हैं पुरानी, जो भी बातें हैं उनके बारे में डिस्कशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा झगड़ा भी हो, लेकिन वो बातें बन जाएंगी। ठीक है, कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के साथ सपोज़ आपका ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, और वापस से वो आपकी लाइफ में आता है या आती है, तो सीधी सी बात है आप डिस्कस करोगे कि भाई आपने ऐसे क्यों किया था, आपने ये बोला था, वो कहेंगे कि भाई आपने ये गलती करी थी, तो थोड़ी कहा सुनी हो सकती है लेकिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अगर आप अपनी फैमिली से मिल नहीं पाए हैं, सपोज़ आप कहीं दूर रहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहे थे, तो उनसे मीटिंग हो सकती है, या फिर किसी फ्रेंड से भी। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कहीं अगर आपका पैसा वैसा अटका हुआ है तो वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हेल्थ को देख लेते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी इस मंथ। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो मे बी आपको कुछ इस तरीके के इश्यूज़ रहते हो, जैसे नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता हो, और या फिर कुछ ऐसी तकलीफें जिन जिनको लेकर मे बी आपको डॉक्टर ने बोला हो कि आपको हमेशा ही कुछ दवाइयाँ लेते रहना है,
तभी ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। आपको आपका डाइट प्लान सेट करना है, आपको कुछ दवाइयाँ हैं जो रेगुलरली लेनी है, तो मे भी कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि गाइस एन से कई सारे लोगों का नाम शुरू होता है, तो मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आपसे अगर रेजोनेट होता है अच्छी बात है, नहीं तो फिर जिनसे होगा वो देख ले। तो यहाँ पर वही मैं फील कर पा रही हूँ। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है आयुर्वेदा को, तो यानी कि या तो आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं या पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, बेशक यहाँ पर मे भी मैंने कहा कि हो सकता है स्ट्रेस रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, या फिर उसकी वजह से नींद नहीं आती हो, इस तरीके की परेशानियाँ हो सकता है आपको परेशान करती हो ये चीज़ें, ठीक है, आपके हेल्थ पर असर डालती हो। तो आयुर्वेदा आप ट्राई करने वाले हैं, अगर कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके बाद भी मैं आपसे वही कहूँगी कि अगर किसी का वेट कर रहे हो, मे बी कोई आपकी लाइफ से चला गया जिसको आप बहुत पसंद करते थे और उसका आप वेट कर रहे हो सकता है 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गए हो, तो मैं आपसे कहूँगी कि वेट ना करें, ठीक है। अगर वो आपका है तो वो वापस आएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करो और खुश रहो। जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, और अबंडेंस का मतलब क्या होता है, वो हर चीज़ जिसकी इच्छा आप रखते हो, ठीक है। आपको स्वास्थ्य चाहिए तो वो मिलेगा, पैसे चाहिए तो वो मिलेंगे, प्रेम चाहिए तो वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको खुश रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका कैरियर देख लेते हैं कि कैरियर कैसे रहने वाला है इस मंथ। सो लेट्स सी, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, तो कुछ हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में हो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, तो कुछ काम ज़्यादा ही बढ़ सकता है। वैसे तो जो मेडिकल फील्ड में है उनके लिए काम बढ़ा ही है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर सकते हैं आप, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, तो बेशक आपकी जो भी मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा इस मंथ में। अगर पहले से करते रहे हैं तो उसका फल मिलेगा, और अगर इस मंथ करते हैं तो उसका फल मिलेगा। यहाँ पर आपने एक नोटिस किया है एक चीज़ को, कि इस वाले जो भी ये इस तरफ जो भी कार्ड्स हैं वो सारे कुछ ना कुछ आपकी उस तकलीफ़ को बता रहे हैं जिसको आप कभी खुलकर किसी के सामने नहीं रखते। यानी कि देखिए मैं समझाती हूँ, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि ये आपकी इच्छा है लेकिन किसी वजह से पूरी नहीं होती। यहाँ पर भी है कि ये आपकी इच्छा है लेकिन किसी वजह से पूरी नहीं होती, मतलब अटकल सी लगी है। यहाँ पर ये आपकी इच्छा है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन शायद आपको जस्टिस नहीं मिलता, उस हिसाब से आपको ट्रीट नहीं किया जाता है जैसे कि आप चाहते हो। और फिर ये जो कार्ड बताता है कि हाँ आप इसकी वजह से तकलीफ में हो, ठीक है। तो मे भी कुछ ऐसा है कि आप चाहते हो कि आपको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि आप हमेशा एक बैलेंस बना कर रखते हो, चाहे आपके आपका कैरियर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, हर जगह आप चाहते हो एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हो ही जाते हैं जिसकी वजह से वो बैलेंस आपको मिलता नहीं है। लेकिन इस बारी इस मंथ आपको भाई जस्टिस मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी, जस्टिस मिलेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको, बिल्कुल भी परेशान ना होएं। और मैं कहूँगी कि थोड़ा मेडिटेशन करो, ठीक है, अच्छा रहेगा, डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आओ अगर डिप्रेशन में हो तो। हमें खुशियाँ चाहिए होती हैं ना, तो हमें खुशियों को ही अट्रैक्ट करना पड़ता है, ये रहता है हमारे साथ। हम वो चीज़ समझ नहीं पाते, दुखी होते हैं तो कहते हैं कि दुख में कैसे हंस लें, लेकिन यूनिवर्स वही कहती है आप तब भी हंसो, तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो भाई ये जो कार्ड है जस्टिस का, उसी तरीके से ये भी कार्ड है, यानी कि जस्टिस मिलेगा। वही मैं आपसे कह रही थी ना, इस मंथ जस्टिस मिलेगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके कैरियर को लेकर हो। जो अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला, जो बैलेंस आप चाहते थे आपको आपकी लाइफ में मिले, तो वो आपको मिलेगा, अभी तक नहीं मिला अगर, ठीक है, न्याय मिलेगा, मैं ये कहूँगी कि न्याय मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग, 6 नंबर होता है बैलेंस का, तो मे भी आपको 666 दिखता भी हो, 606 या 616, एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए यहाँ पर आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, देख लो, बैलेंस ही चाहते हो ना, बैलेंस मिलेगा आपको, ठीक है।
बिल्कुल परेशान ना हो, इस बार सब कुछ अच्छा होगा। इस मंथ आपके लिए विक्ट्री, सी आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। देखो यहाँ पर कैसे कार्स आए हैं, यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस, और यहाँ पर तो एंजल ऑफ बैलेंस ही है, और यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर भी बैलेंस है, हर जगह बैलेंस है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको ज़िंदगी में खुशियाँ मिले, वो मिलेगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपने बस इतना करना है कि खुश रहना है, जितना खुश रहोगे उतना ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जिनका नाम एन से शुरू होता है। होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो जिनका नाम ओ से शुरू होता है, अब हम देखेंगे कि ये जो मंथ है कैसा जाने वाला है आपका, आपकी लव लाइफ को देखते हुए, आपके कैरियर को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए, ओके। और गाइडेंस भी मैं दूंगी एंजल्स की तरफ से जो भी मिलेंगे, तो लेट्स सी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी से मुलाकात हो सकती है या बातचीत हो सकती है, हो सकता है आप खुद ही अपनी तरफ से किसी को मैसेज करो तो उनकी तरफ से रिप्लाई आ सकता है, अगर अभी तक नहीं आता था, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आप, ठीक है। तो जो ओल्ड मेमोरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, ये तो नहीं कहूँगी कि परेशान करेंगी, लेकिन हाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेज़ी फील हो सकता है, मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ उन्हीं यादों में खोए रहें और कोई काम ना करें, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। द टावर, ओके, तो कुछ चीज़ें हैं, मैंने कहा ना कि किसी से कुछ तो डिस्कशन ज़रूर होगा, कुछ अटका हुआ है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल भी सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि झगड़ा हो जाए अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। अगर आप मैरिड है तो, अनमैरिड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है ऐसा कि छोटे मोटे कुछ झगड़े हो जाए, कहा सुनी हो जाए, अगर पार्टनर के साथ में नहीं तो उनके घर वालों के साथ में ऐसा हो सकता है। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मे बी ये टाइम है सेपरेशन का, क्योंकि ये स्टेज आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी के लिए आता है, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। उस वक्त आप अपने ऊपर काम करना सीखते हो, उससे पहले आपका ध्यान नहीं जाता कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है। इस जर्नी में पढ़ने के बाद में आपको पता होना चाहिए, और वो पता ऐसे ही होता है, यूनिवर्स ऐसे ही करवाएगी ना, सामने बैठकर तो नहीं बोलेगी कि भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमने आपको डाला और इस वजह से डाला, ये तो नहीं कहेगी, इसी तरीके से आपको बताएगी कि भाई आपको अब आगे क्या करना है। तो मे भी ऐसा हो सकता है। और अगर आपका सेपरेशन पहले से ही चल रहा था, ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, पहले से ही चल रहा था, तो वहाँ पर फिर यूनियन होने के चांसेस है, ठीक है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है, ऑलराइट। ऐसा भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि मे बी किसी के साथ दो तीन साल पहले आपका ब्रेकअप हो गया हो, फिर दो तीन सालों से बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है अचानक से, और आप बहुत ही ज़्यादा यू नो सरप्राइज्ड हो जाएंगे, या फिर सोचने लग जाएंगे कि आखिर ये मैसेज क्यों आया और ये फिर से ये बातें होनी शुरू क्यों हो गई, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। आपकी हेल्थ को लेकर देख लेते हैं, यहाँ पर आया है आपके लिए हरमेट, और सॉरी गाइस अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो, तो यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो गाइस ये जो कार्ड्स हैं मुझे बताते हैं कि फॉर श्योर कोई ना कोई हेल्थ इश्यू ज़रूर चल रहा था आपका, तो उससे आपको राहत मिलने वाली है इस मंथ, ठीक है। राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं आप खुद पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं इसको लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान भी दोगे। हेल्थ को लेकर अगर मैं देखूँ तो कार्ड्स अच्छे हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो। हाँ, पहला जो सप्ताह है वो थोड़ा सा रह सकता है कि आप थोड़ा लेज़ी फील करो या थोड़ा कुछ आपको सिर दर्द वगैरह हो, लेकिन फिर धीरे से ठीक हो जाएगा।
करियर को लेकर देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका ये मंथ, जिनका नाम ओ से शुरू होता है। कैसा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए करियर में? टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो हेल्थ को लेकर और कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आपके पहले से ही चल रहे हैं, हो सकता है अभी भी चल रहा हो। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे दिख रहे हैं आप, लेकिन गाइस इस मंथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है और उसके बाद एस ऑफ पेनिकल्स। तो ये कार्ड यहाँ पर ये बताते हैं कि एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है, विक्ट्री मिलेगी, नई शुरुआत होगी। काम अगर नहीं अभी तक चल रहा था तो चलने लग जाएगा, जॉब करना चाहते थे तो जॉब मिल जाएगा, अगर बिजनेस करना चाहते थे तो वो उसमें भी विक्ट्री आपको मिलेगी। कहीं से अचानक से पैसे भी आ सकते हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है आपके फैमिली की तरफ से आपकी प्रॉपर्टी में आपको कुछ मिले, या फिर किसी को आपने उधार देकर रखे थे तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। सो ये जो रुपए पैसे को लेकर इश्यूज थे ना, वो चले जाएंगे, ठीक है, और हेल्थ भी अच्छी होगी। लव लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता दूं गाइस, हमेशा अच्छे के लिए होता है, चाहे अनुभव आपका कैसा भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा ही देकर जाता है। वो फ़ायदा हमें दिखाई नहीं देता, हमें दर्द दिखाई दे जाता है। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। डोर टू रोमांस, सो मैंने कहा ही कि किसी से मैसेज मिल सकता है, बात हो सकती है, मे बी किसी को आप बहुत याद करते हैं वही आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और जिसकी लाइफ में पहले से कोई नहीं था तो हो सकता है कोई नया उनकी लाइफ में, अब कोई उनकी लाइफ में आने वाला हो। मैंने नया कहा तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जिनकी लाइफ में पहले से कोई था उनकी लाइफ में कोई और आने वाला हो, ठीक है। जो भी है, आपको ट्रू लव मिलेगा जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। डोर टू स्पिरिट, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा कि आप, वैसे तो मैं बता दूं कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही ये जो सुधार देखने को मिल रहा है वो उसी वजह से है। लेकिन फिर भी जो आपके एंजल्स हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि भाई थोड़ा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, ठीक है, खुद को हील करें और स्पिरिचुअलिटी को जाने और समझे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। हो सकता है कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिले जिनकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर हों, कुछ ऐसे छिपी हुई बातें आपके सामने आए जिसकी वजह से थोड़े से आप परेशान हो जाएं, ठीक है। सो ये एक तरीके से टॉवर की तरह ही कार्ड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एंजल्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये जो तूफान आएगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हो सकता है देखने में काफ़ी भयानक लगे, हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ लगे, ठीक है, पेन हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए होगा, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे आपका कैरियर हो। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो डोर टू वैल्यू है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद में फिर ये होगा, यानी कि अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, तो बी रेडी फॉर दैट। सो ये थी आपकी रीडिंग जिनका नाम शुरू होता है ओ से। आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको गाइड किया हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो देन प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिनका नाम शुरू होता है पी से, अब हम उनके लिए देखेंगे कि ये जो मंथ है कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ को देखते हुए, कैरियर को देखते हुए और हेल्थ को देखते हुए, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस मिलता है तो वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हर में, तो हो सकता है किसी को, किसी की तलाश करें हैं आप, किसी सोलमेट की या ट्विन फ्लेम की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ही ज़्यादा बर्डन लिए हुए हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे इस मंथ तो, एंड जस्टिस। ऑल राइट, वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं गाइज, ये बता रहे हैं कि जिनका आप वेट कर रहे हो या जस्टिस का आप वेट कर रहे हो, ठीक है, कि आपको जस्टिस मिले लव में, तो वो भाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी दिनों से, हो सकता है एक साल हो गया हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 3 साल, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 6 साल, ठीक है, ये टाइमिंग मुझे दिख रही है। तो अगर इतने सालों से या इतने महीनों से आप किसी का वेट कर रहे हो,
किसी से जस्टिस मिलने का वेट कर रहे हो तो जस्टिस भाई आपको मिल जाएगा इस मंथ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में ही जैसे मंथ की शुरुआत हुई वैसे ही कुछ हो जाए, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय निकलेगा, दिन निकलेंगे, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको जस्टिस मिल जाएगा। बस इतना मैं कहूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। हेल्थ देख लेती हूँ भाई, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ। जिनका नाम पी से शुरू होता है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, डेथ है यहाँ पर, और यहाँ पर है किंग ऑफ पैनिकल्स। वेरी नाइस। तो यानी मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब जो भी कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे यही बता रहे हैं कि हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं थी, रिलेशनशिप को लेकर भी अगर मैं देखूँ तो अच्छा नहीं चल रहा था। अगर रिलेशनशिप में ना कहूँ, मतलब कि अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं था तो उसमें हो सकता है आप किसी को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। या आपके पेरेंट्स आपके लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिल रहा था, बात बनते बनते फिर बिगड़ जाती थी। जो भी है, हेल्थ को लेकर और आपके रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं देखूँ तो चीज़ें मुझे ठीक ठाक तो नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन इस मंथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो यहाँ पर जस्टिस आया और यहाँ पर किंग ऑफ पेनिकल्स आया, यानी कि अगर हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे, आपके लव लाइफ को लेकर कोई इश्यूज़ चल रहे थे, मैरिज को लेकर इश्यूज़ चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जस्टिस आपको मिलने वाला है, मैं ये कहूँगी। डेथ का जो कार्ड है ये कार्ड बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही बुरा कार्ड है, लेकिन बुरा नहीं होता। ये कार्ड बताता है कि जो भी निगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ में वो ख़त्म होने वाली है। तो सीधी सी बात है कि अबंडेंस आएगी जब निगेटिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। कैरियर को लेकर देख लेते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। एक तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं गाइस, तो इस एनर्जी से बाहर निकले। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं, मतलब मुझे ये करना है या नहीं करना है, मुझे ये चीज़ सोचनी है या नहीं सोचनी है, मुझे इस रास्ते पर जाना है या नहीं जाना है, तो इसकी वजह से हेल्थ पर असर पड़ता है। एट ऑफ पेनिकल्स है, द लवर्स है, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं गाइस कि कोई नया बिजनेस आप कर सकते हो, मेहनत बहुत पड़ेगी लेकिन अबंडेंस अचानक से आएगी। कोई पार्टनर शिप कर सकते हो, कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, या कोई ऑफर आ सकता है आपके लिए अचानक से जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि अगले ही एक दो दिनों में ही कोई आपको कॉल कर दे या कोई ऑफर लेकर आ जाए। मेहनत बहुत पड़ने वाली है लेकिन भाई सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। जिसके भी साथ है पार्टनरशिप करेंगे बहुत अच्छी आपकी बनेगी। सिक्स ऑफ कप है यहाँ पर, तो बेशक कहीं ना कहीं आपकी माँ की ब्लेसिंग्स जो हैं वो काम कर गई हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ अगर आपने पहले कभी काम किया था तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, अभी क्या वो आपको बोलना चाहते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए, द थिंकिंग वुमेन। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको संदेश दे रही है वो ये दे रही है कि अगर आपने किसी से कुछ छिपा कर रखा है, सपोज़ आप किसी का वेट कर रहे हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर किसी को आप स्पाई कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स आप नहीं कह रहे, हो सकता है आप उनकी तरफ से वेट कर रहे हो कि वो आकर आपसे बात करें, तो यहाँ पर अभी जो यूनिवर्स आपको बोल रही है वो यही बोल रही है कि ये जो आपने एक मुखौटा सा लगा रखा है, जैसे आप मे भी आप सामने वाले को ये शो करते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जबकि आपको पड़ता है, आप उसको इस्पाय भी करते हो, ठीक है, लेकिन आप दिखाते ऐसा हो, तो इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, जो सच है उसको बोल दो, ठीक है। अगर बुरा भी लग रहा है, उसका सामने वाले का कोई एक्शन आपको बुरा लग रहा है तो वो भी बोल दो। ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो और आप सामने वाले पर थोड़ा आपको शक लग रहा है कि पता नहीं वो क्या करता है क्या करती है, और आप कह नहीं रहे, सिर्फ सहे जा रहे हो, तो वो आपको यूनिवर्स बोल रही है कि भाई खुलकर बात करो, चुप रहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वक्त आ गया है। सिर्फ सोचते रहेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। और ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप नहीं कह रहे, आप सोच रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलने दो या उसको आने दो, तो मैं बता दूं कि अवसर फिर हाथ से निकल जाता है। तो इस भ्रम में ना रहो, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये वो, कहना है तो बोल दो, ठीक है, जो भी कहना है वो कह दो। ओवर थिंक करोगे उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सोचो, बेशक अच्छे से सोचो, ये सोचो, ये प्लानिंग करो कि किस तरीके से मुझे अपना काम बनाना है, लेकिन ये सोचना कि वो आए पहले वो बात करे, या पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं पूछूंगा नहीं या पूछूंगी नहीं, ऐसे ही चलने दो, तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। और सबसे पहले तो आपके लिए है कि हीलर ऑफ़ द एजेस, तो आप खुद को हील करो, और मे बी आप खुद भी हीलर हो
तो वो काम भी आपने करना है। ऐसा करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका नाम पी से शुरू होता है। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिनका नाम क्यू से शुरू होता है, अब मैं उनके लिए कार्ड्स निकालूंगी, देखूंगी कि ये मंथ कैसा रहने वाला है। उनकी लव लाइफ को देखेंगे, कैरियर को और हेल्थ को, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से अगर कोई गाइडेंस मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ गाइस। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी लव लाइफ। टू ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, यहाँ पर भी टू एंड टू, एस ऑफ कप्स। ओके, तो कंफ्यूज हो सकते हैं गाइस इस मंथ आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है आपकी लाइफ में दो लोग हों, दो ऑप्शंस हों आपके पास, तो उनको लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसके साथ जाया जाए किसके साथ नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा कोई मिल जाए कि एक तो आपको प्यार बहुत करता है और दूसरा आपको अंडरस्टैंड बहुत करता है, ठीक है। या फिर एक के साथ आपकी बनती बहुत अच्छी है लेकिन दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़े से आप कंफ्यूज रह सकते हैं। हो सकता है इस मंथ आप डिसीज़न ना ले पाएँ, डिसीज़न लेना चाहते हो लेकिन आपको समझना आए कि क्या करना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्स की तरफ से कोई मैसेज आ जाए, बातचीत होने लग जाए और अब आपकी लाइफ में कोई और आ भी चुका हो। हो सकता है किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो और फिर आपने सोचा कि चलो मूव ऑन करते हैं, कुछ नहीं। हो सकता आप किसी और को आपने अपनी लाइफ में आप ले आए, तब तक पता चला इस मंथ आपके एक्स का भी मैसेज आ गया, ठीक है, वो भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो स्कॉर्पियो हों या फिर जेमिनाई हो सकते हैं या फिर लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ, या कैंसर हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है इस मंथ आपके साथ में, ठीक है। डिसीजन तो हालांकि देखेंगे यूनिवर्स क्या बताती है आपको। अभी मैं पहले आपके हेल्थ के लिए कार्ड्स देखूंगी कि जिनका नाम क्यू से शुरू होता है उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स, वेरी नाइस कार्ड। तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, ऐसा कोई मुझे इशू यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो बेफिक्र रहिए। बेफिक्र का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खाने पीने लग जाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है, तो वो अच्छी रहेगी। योगा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अच्छा खाओ, खुश रहो, दैट्स इट, ठीक है। और किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना, उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है तो मे बी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे एडिक होना और नींद ना आना, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। कैरियर को लेकर देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये मंथ आपका। ये सब सोर्स है आपके लिए, पेज ऑफ वॉन्स है आपके लिए, स्ट्रेंथ है आपके लिए। कैरियर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा इस मंथ। कुछ आपको कहीं से कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, मे बी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो वहाँ से आपको खबर मिल सकती है और पॉजिटिव होगी, ठीक है, न्यूज़ पॉजिटिव होगी। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसमें भी सक्सेस मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये मंथ कैरियर को लेकर बहुत ही सुंदर रहेगा, कोई इश्यूज यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे, हेल्थ भी अच्छी है। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा ओवरथिंक आप करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अबंडेंस ही आने वाली है इस मंथ आपके लाइफ में। नाइन ऑफ पेनिकल्स है यहाँ पर, जो आप चाहते थे अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ें भाई आपको मिलेंगी अब इस मंथ में। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। हॉस्पिटैलिटीज़ यहाँ पर, ये कार्ड और ये कार्ड ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि किसी से नाराज़ ना हो, किसी को जज ना करें। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने पहले आपकी वैल्यू नहीं समझी और अब आए हैं वापस, तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ये बातें आएँ कि मैंने कहा था कि कर्मा जो है आपको बताएगा, ठीक है, फल आपको भोगना पड़ेगा आपके कर्म का। तो देखो यहाँ पर वही हुआ, अब आ गए आप वापस और अब आप माफ़ी मांग रहे हो, तो इस तरीके की बातें ना करें, किसी से भी किसी को हर्ट ना करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये वापस आया है या आई है क्योंकि ये मुझे हर्ट करना चाहती है, करना चाहता है, तो वो भी मैं कहूँगी कि इतना ओवर थिंक ना करें। कोई आता है और अगर आपको डाउट्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो सही है या गलत,
तो धीरे से उसको अपनी लाइफ से निकाल दो, ठीक है? लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करना है, हर्ट करने का काम हमारा नहीं होता, राइट? देखो, इन्होंने आपको हर्ट किया तो देखो ये वापस आपके पास आए हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, यानी कि कितना बुरा लगता है किसी को कि मैंने किसी को चीट किया, किसी को हर्ट किया, वापस जाकर माफ़ी मांगना इतना आसान नहीं होता, ठीक है? तो वही चीज़ सॉरी गाइस, तो वही चीज़ है कि अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो फिर आपको भी वही करना पड़ेगा, नहीं चाहते ना हम वो करना, ईश्वर देखेगा, इसलिए किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। और देख लेते हैं क्या है कार्ड यहाँ पर, केयरिंग कनेक्शन। तो बेशक दो लोगों में से किसी एक को आप चूज़ करने वाले हैं और उसे ही चूज़ करेंगे जिसके साथ में आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। ये नहीं कि अट्रैक्शन कहाँ पर है, आप देखोगे कि ट्रू लव कहाँ पर है, ठीक है? सो यस, आपको यूनिवर्स बोल भी वही रही है, डोर टू स्पिरिट। तो ये बेशक एक जर्नी चल रही थी आपकी, स्पिरिचुअल जर्नी, और इस कनेक्शन में आने के बाद भी एक जर्नी आपकी चलेगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये जो भी कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो आया है, अब चाहे आपके एक्स हो, चाहे आपका न्यू लवर हो, जो भी हो वो आप डिसाइड करोगे। मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन आपके लिए बेहतर, मतलब कौन आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपके लिए सच्चा है, ठीक है? जो भी है वो आपके लिए इस बारी लक लेकर आएगा, ढेर सारी अवर्नेंस होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर डोर टू वैल्यू है, यहाँ पर नाइन ऑफ पेनिकल्स है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, खुश हो गई मैं। सो ये थी आपकी रीडिंग जिनका नाम क्यू से शुरू होता है। होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिनका नाम आर से शुरू होता है, अब मैं उनकी रीडिंग करने वाली हूँ, देखूंगी ये जो मंथ है कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ को लेकर, उनकी कैरियर को लेकर और उनकी हेल्थ को लेकर, ठीक है? एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस होगा वो भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस मंथ में, क्या कुछ होने वाला है। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है? तो जिनसे होती है वो इसको देख लें, और जिनसे नहीं होती है मैं नेक्स्ट मंथ फिर से वीडियो डालूंगी, तो आप वो देख लेना। पेज ऑफ पेनिकल्स, तो ओहो, सेवन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इस मंथ में, और आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी होने वाले हैं, मतलब किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो ऑफर्स काफ़ी आएंगे, और आप बेशक थोड़े से नखरीले हो सकते हो ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं और आपको उसी से कमिटमेंट चाहिए, किसी और से नहीं चाहिए, चाहे ऑप्शन कितने भी अच्छे हों लेकिन आपका मन नहीं लगता उनके साथ, तो आपको उसी के साथ में जाना है जिसका आप वेट कर रहे हो, तो इसीलिए तो वेट कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ नए नए लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? लव लाइफ को अगर मैं देखूँ तो मैसेज भी आ सकता है उनकी तरफ से जिनका आप वेट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ 10% लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रहा। मुझे ऐसे दिख रहा है कि हो सकता है आप उनको मैसेज करो, मे बी उनका बर्थडे हो इस मंथ, और आप उनको मैसेज करो, उनकी तरफ से भी रिप्लाई आएगा, लेकिन बहुत सारी बातें हों ये मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है, ठीक है? सभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि बातें होंगी या मैसेज उनकी तरफ से आएगा, कुछ लोगों के लिए लग रहा है, वो मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ और सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप एक पल को सोचोगे भी कि चलो ट्राई करते हैं क्या, शुरू करते हैं क्या, लेकिन फिर वही बात है कि आपका दिल जब नहीं लगता तो फिर इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर पाओगे। हेल्थ देख लेते हैं, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और हेल्थ टू ऑफ वांड्स है यहाँ पर, और द वर्ल्ड है, वेरी नाइस। तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ये लग रहा है मुझे कि हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, अपना मूड चेंज करने के लिए, क्योंकि काम बहुत रहेगा जो कि मैं देख पा रही हूँ, काम बहुत रहने वाला है, ओवर थिंकिंग भी बहुत रहने वाली है, तो हो सकता है आप ये ट्राई करो कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा। सो अगर इस तरीके से देखूँ तो भी ठीक है, और अगर हेल्थ को वैसे मैं आपको बताऊँ कैसे रहने वाली है, तो हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है? हेल्थ में मुझे कुछ इश्यूज नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप कोई नया रूटीन अपनाओ,
अपने आप को और ज़्यादा फिट रखने के लिए ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, हेल्थ में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं आपको कुछ बताऊं कि आपने ये करना है वो करना है, नहीं, परफेक्ट है सब कुछ। ठीक है, हेल्थ अच्छी रहेगी। कैरियर देख लेती हूँ, कैरियर, क्योंकि कैरियर का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ ज़रूर है। ओके, रहेंगमैन, तो यहाँ पर कुछ प्लानिंग करेंगे भाई आप, और हो सकता है किसी के कहने से कुछ नया प्लान करें। ठीक है, कोई नया बिजनेस या कोई जॉब करें, हो सकता है आप अपनी माँ की इस बारी एडवाइस लेने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से क्या करना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा जॉब आप करने वाले हो जहाँ पर आपकी बॉस जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे या होंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, अबंडेंस आएगी। ठीक है, अबंडेंस आने वाली है। यहाँ पर हैंगमैन का जो कार्ड है वो मुझे ये भी बताता है कि मे भी कोई ऐसा काम आप करने वाले हो जो आपकी माँ को बहुत पसंद हो लेकिन आपको शायद नहीं, तो शायद आपको करना पड़े, मन अंदर से इच्छा नहीं होगी लेकिन आपको करना पड़ेगा उसके बाद, लेकिन फिर आपको फ़ायदा होगा, फ़ायदा बेशक आपको होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई ऐसा काम आप करो जिसके लिए आपकी मॉम या आपकी सिस्टर आपको बोले, या फिर कोई भी फीमेल फिगर हो सकती है जो आपको बोले और आपके करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आपको भेजा जाएगा उस जॉब के लिए या बिजनेस करने के लिए, और उसको करने के बाद में फिर अवर्नेंस आपको मिलेगी। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ आप नया करने वाले हैं और पूरी स्ट्रेटजी के साथ में इस बारी, ताकि फेल ना हो आप। ठीक है, तो जो भी है अवर्नेंस आएगी, ये मैटर करता है। ओके, और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन का कार्ड है यहाँ पर, एंजल ऑफ लव, एंड यहाँ पर है एक्शन। मेरे शक एक्शन आप ले ही रहे हो। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप किसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो और अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने ये सोच कर रखा है कि उधर से ही एक्शन लिया जाए, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई एक्शन ले लो। ठीक है, एक्शन लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर सन है, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है और ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि सोचते आप बहुत हो, डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, लेकिन एक्शन लेने के वक्त में ना ढीले पड़ जाते हो, तो ये गलत है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, हो सकता है आपको लगता हो कि किस तरीके से करें, क्या प्लानिंग करें। ठीक है, मे बी जिन जिनका नाम शुरू हो रहा है आर से, यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, उनमें से कई सारे लोग लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी मुझे ऐसी ही दिख रही है, ऐसी ही मिल रही है। तो भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ किस दिशा में जाया जाए, तो भाई अपनी इंट्यूशन को सुनो, मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, वो क्लियर कर देगी। कोई तो है जिसको आप काफ़ी पसंद करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो एक्शन ले लो भाई। ठीक है, अगर काम बनाने हैं तो, वरना देर हो जाती है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिनका नाम शुरू होता है आर से। आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।